हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? बहुत गर्मी हो रही है ना, और कभी कभी लाइट भी चली जाती है, और सबके घर में इन्वर्टर भी नहीं होता है। तो फिर गर्मी में हमें कुछ हवा करने के लिए पंखों की ज़रूरत पड़ती है, वो पंखे जिसे हम अपने हाथ में पकड़ के उससे हवा कर पाते हैं। तो चलिए, लाइट चली जाएगी, कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसा पंखा बनाना सिखाती हूँ जिसे आप जब स्कूल जाएंगे तो अपने बैग में भी रख के लेके जा सकते हैं, और वहाँ पर जब लाइट जाएगी तो आप उस पंखे से हवा कर लेना। तो चलिए आइए बनाते हैं जल्दी से हम एक हाथ से हवा करने वाला पंखा। तो बच्चों, हमें हाथ से हवा करने का पंखा बनाने के लिए हमें ये दो पेपर की ज़रूरत होगा। तो सबसे पहले हमें इन पेपर को, दोनों को इस तरह से देखिए, ऐसे हमें मोड़ना होगा इसको बराबर बराबर करके ना, इस तरह से ये, फिर इस तरह से ये देखिए, इस तरह हम पूरे पेपर को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखते रहिए आप, बहुत आसानी से बन जाता है बच्चों ये पंखा। एक पेपर हमारा ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसके लिए आप रंगीन पेपर भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो सफेद पेपर से ही बना सकते हैं। दूसरा पेपर ये है, इसको भी हम इसी तरह से मोड़ लेते हैं। एक पेपर हमारा ये तैयार हो गया। अब बच्चों हमें इसे क्या करना है, इसको इस तरह से आधे में रख करके किनारा यहाँ से पकड़ेंगे, और इस किनारे को यहाँ से पकड़ेंगे, और इसको बिल्कुल बीच में से इस तरह से मोड़ देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फेविकोल से इसको चिपका देंगे। इस तरह से दोनों पर्प को हम बीच में से चिपका देते हैं। तो थोड़ी देर सूखने के बाद ही अच्छे से चिपक जाएगा। तो कुछ हमारे पास ये आधा गोला जैसा बन जाएगा। इसी तरह से हमने दूसरे वाले जो पेज है इसको भी आधे में रख करके, जैसे उस पेपर को मोड़ा था ऐसे ही इसे मोड़ देंगे हम, और इसके भी यहाँ पर फेविकोल से इसको हम जोड़ देंगे। इसमें यहाँ पर ही कुछ ऐसा पेज दिखाई दे रहा है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा कट कर देती हूँ, क्योंकि ये तो इस तरह से बच्चों एक आधा गोला हमारा ये तैयार हो जाता है, और एक आधा गोला हमारे पास ये तैयार हो जाता है। अब इसमें जो ये आधा हिस्सा था, यहाँ से पकड़ करके इन दोनों को भी यहाँ पर हम जोड़ देंगे। ये देखिए, और थोड़ी सी गोंद यहाँ पे बीच में भी लगा देंगे जिससे यहाँ पर ये चिपक जाएगा। ये देखिए,
ये कुछ हमारे पास इस तरह से गोला बन के तैयार हो जाएगा। तो जल्दी जब तक ये सूखता है, इसको हमें एक पेज पर इस तरह से एक आकृति को बना लेना है, दोनों तरफ से बना हुआ होना चाहिए। फिर इसको हम कट कर लेंगे। कुछ ये इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। अब बच्चों, ये जो हमारा आधा गोला बना है, इसको हमने इस तरह से पकड़ लेना है अभी, ठीक है। और फिर इसके लिए हमें डंडी के लिए हमें ये दो इस तरह की स्टिक चाहिए। ये जो बांस होता है या कोई भी, आप इस तरह की दो डंडियाँ ले सकते हैं। अब इन डंडियों को क्या करना है, हमने ये जो है पोशन, इसमें हमने इसको यहाँ पे चिपकाना है इस तरह से। एक डंडी इधर लगानी है और एक डंडी को हमने इधर लगा देना है इस तरह से। और इसको जोड़ने से पहले ये खुल करके हमारा ऐसे आएगा ना, तो इसके बीच में यहाँ पर हमने इसको लगा देना है। देखिए, इसे हम चिपका देते हैं पहले। ठीक है, अब इन डंडियों को चिपकाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये बच्चों फेविकोल से तो जल्दी नहीं चिपकती हैं, तो इसके लिए हमें वही फेविक्विक लेनी पड़ेगी जिसको हमें बहुत सावधानी से लगाना है। अब इसको हम इसके ऊपर ऐसे रख करके इसके किनारे पे ऐसे एक दो बूंद डाल देते हैं जिससे जल्दी से चिपक जाएगी। ये देखिए, दोनों तरफ से डाल देते हैं एक एक बूंद। ये देखिए, फिर ऐसे ही दूसरी तरफ भी इस पट्टी को हम ऐसे रखेंगे। और इसके किनारे में यहां पर हम इसको डाल देते हैं, तो फेविक्विक से एकदम से चिपक जाती है बच्चों ये। इस देखिए, इस तरह से कुछ इसमें लग जाएगी। फिर हम इसको धीरे से ऐसे खोल सकते हैं। देखिए, उसके बाद अगर आपके पास रंगीन पेज हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा पंखा। अगर आप इसको इधर से देखेंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो इसी तरह से ये देखिए एक पंखा ये भी बना हुआ है मेरे पास। इसको हम आराम से अपने बैग में रख सकते हैं और जब हमें गर्मी लगे तब इसको इस तरह से खोलिए। और ये देखिए, ये आपको पंखा तो दिखाई दे रहा है, ऐसे इसमें हवा करते हैं इससे। और दूसरा बच्चों, इसमें कुछ नजर आ रहा है आपको, क्या लग रहा है ये? दिखाई दे रहा है ना, ये मोर है। क्या है ये? मोर। देखिए, ध्यान से देखिए,
तो आप बच्चों एक छोटी सी गतिविधि के द्वारा एक पंखा तैयार करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको खूब मजा आएगा जब आप इसे बनाएंगे, और बना करके आप जब स्कूल आएंगे ना तो वहाँ पर लेके आइएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नई गतिविधि के साथ। धन्यवाद।